सीमा पार से लगातार घुसपैठ की कोशिशें जारी हैं। शुक्रवार को भी देर रात 6 से 8 आतंकवादियों ने सांबा और हीरानगर सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन बीएसएफ जवानों ने आतंकियों की इस कोशिश को नाकाम कर दिया। इस दौरान हुई मुठभेड़ में सेना ने एक आतंकी को भी ढेर कर दिया है, जबकि 5 आतंकवादी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकले। इस घटना के बाद सुरक्षा बलों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में चौकसी बढ़ा दी है। जम्मू कठुआ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी कड़ी कर दी है। जम्मू कठुआ रेल लाइन पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की ओर से पिछले कुछ दिनों से आतंकवादी लगातार घुसपैठ का प्रयास कर रहे हैं। आतंकवादी संगठन जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद ने दावा भी किया है कि कश्मीरी आतंकवादी अखनूर, उरी और अन्य जगहों पर भारत को करारा जवाब दे रहे हैं। जिसके बाद कल नए आर्मी चीफ बिपिन रावत ने एक बड़ा बयान दिया था कि अगर आतंकवादी घटनाओं में कमी नहीं आती तो भारतीय सेना फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करने से नहीं चूकेगी। तो खबर है कि आतंकवादी भारत में गणतंत्र दिवस के अवसर पर कोई बड़ा हमला करने की फिराक में है और इसी वजह से सीमा पार से घुसपैठ के प्रयासों में तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन भारतीय जवान इसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। देखते रहिए डीपी लाइव।